इतना आलू निकल चुका है गाइस। और ये आलू पता है कैसे रोपाता है, अभी हमको मोहनी बताया। देखो गाइस, ये है ऑर्गेनिक आलू, ये ड्रैगन फ्रूट। मॉर्निंग एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश ब्लॉग। और अभी फिलहाल मैं हूँ गांव में ही और हम पैक कर रहे हैं सब्जी। आपको मैं दिखाती हूँ, इतना अच्छा अच्छा सब्जी है ना गाइस, ये हमारे गांव का सब्जी है और ये ऑर्गेनिक सब्जी है भाई साहब। ये देखो, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये हमारे खेत का सब्जी है और मैं इसे लेकर जा रही हूँ अभी नवादा। गाँव आई थी और आज मैं रिटर्न हो रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है आफ्टरनून का 11:30। जल्दी से इसे करते हैं पैक। ये चारों गोभी हमारे खेत का है, अभी टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं आपको गांव का खेत पे मतलब दिखाती क्या क्या लगा हुआ है। सारा ऑर्गेनिक सब्जी है, कोई इसमें खाद वगैरह नहीं डाला गया। ये है पालक, गोभी, सीम और यहाँ है धनिया पत्ती। फ्रेश फ्रेश सब्जी है। मैं इसका बनाने वाली हूँ गोभी चिल्ली, एक गोभी का, बाकी का सब्जी या जो भी बनेगा। तो इसका टेस्ट तो इतना अमेजिंग होता है। सारा मैं अभी रख रही हूँ इसमें, गोभी ऑलरेडी मैं रख चुकी हूँ। जा रहे हैं, जा रहे हैं दादी, बाय बाय तो बोल दीजिए, बाय तो बोलिए। अच्छा बाय, बढ़िया से बाय, धीरे धीरे। अच्छा बाय बाय। चाची इधर सिखा रहे हैं बाय बाय बोलना। दादी को भी लेके जाना था, दादी नहीं जा रही हैं हम लोग के साथ। कैसा ये कहा, दो दिन नहीं रहे। और चाची इधर जा रहे हैं अपना ड्यूटी, है ना चाची, डेली जाना होता है। आज थोड़ा लेट हो गया हम लोग के चलते, तो हमारे साथ हम लोग साथ में निकलेंगे। आएगा छोटू गाड़ी लेके तब ना, गाड़िया दूर देश में। अरे आ रहा है लेके, आने दीजिए। गाइस मैं आ गई हूँ फाइनली अब नवादा, और आते ही देखो हमारे घर कौन आया है। ये देखो, मीट मिस माही। माही, यस। सारे व्यूअर्स को हाय बोलो। हाय। और कुछ बोलो, तुम्हें कुछ बोलना है तो। मुझे कुछ नहीं बोलना। क्यों? मुझे एक बबल मिल चुका है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज चाचू खेत से आलू निकाल रहे हैं। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ पीछे घर के, और यहाँ क्या मस्त मस्त आलू, मतलब आलू लगा हुआ था पहले से ही, और अभी आलू निकल रहा है, मेरा भाई निकाल रहा है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कंचना, चलो भाई दिखाते हैं ना। हाँ। मैं हूँ अपने घर के बैक साइड में, जहाँ पे लगे हैं कुछ वेजिटेबल्स। क्या क्या लगे हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो मेरे साथ है फिलहाल यहाँ पे माही, ये बोल रही है मिस माही। से हाय माही। हाय। तो चाचू, आप माही दिखाएगी। चलो एक मिनट, मैं कैमरा हैंड ओवर कर रही हूँ माही को, है ना माही। तो ये आलू निकला है, एकदम रेड रेड आलू हुआ है इसमें से, यहाँ से निकाला, अभी दिखाती हूँ निकाल के भी। ये देखो इसके पास कितना मस्त यहाँ से निकलेगा आलू। हे, छोटा है छोटू, ये नहीं बैठा होता। अच्छा, ये देखो क्या मस्त मस्त आलू निकल रहे हैं, एकदम रेड रेड आलू। आलू कच्चा आलू बेटा कहाँ गई थी, टोकरी में सो रही थी, बैगन ने लात मारी रो रही थी, मम्मी ने प्यार किए हंस रही थी। गाइज, ये ब्लॉग मैंने शूट किया कल, मीन्स सैटरडे को, और जो इससे पहले आप क्लिप देख रहे थे वो मेरे गांव का है। मैं गांव गई थी, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए ये है नवादा जहां अभी मैं हूँ, वहां का मैं दिखा रही हूँ। यहां पे भी हमने कुछ कुछ लगाया, मैंने नहीं, पापा मम्मी भाई ने, तो वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चाचू आलू तोड़ रहे हैं, मैं ये आम, ये मैंगो का पेड़ है, और ये सीम की पत्ता है, और ये है, और चाचू आलू तोड़ने में बिजी है। कितने आलू है इसमें, एक आलू दिख रहा है, एक चाचू है, चाचू का पसीना लग रहा है, चाचू को तो पानी देना चाहिए, अभी चाचू काम कर रहे हैं अभी नहीं।
चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या लगा है। छोटा सा बगान है, इसको बगान ही बोलेंगे। और यहाँ क्या क्या लगाया है, मतलब भाई पापा यही सब लगाए हैं, मम्मी मिलकर। तो चलो माही हम लोग दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को क्या क्या लगाया है यहाँ, है ना। चाचू को आलू निकालने दो। और ये है कोरिएंडर लीफ, धनिया का पत्ता, इतना सारा। ये देखो कितना सारा, वाव। अरे सालों में कोई ना कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया गया सारा, ये गोबर का यूज किया गया है। और ये आलू खाने में काफी टेस्टी होता है। यस चाचू, आप मार्केट का आलू खाइए और ये आलू खाइए, दोनों में काफी आपको फर्क नजर आएगा। ये आप है सही में। ये जो आलू होता है ना गाइस, ये प्योर ऑर्गेनिक आलू है, इसमें सिर्फ गोबर काऊ डंग जो होता है वो डाला गया है। भाई क्या मस्त रेड रेड आलू, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ देखो इतना निकल भी चुका है। और ये एक छोटा सा, अंदर एक छोटा सा प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए अच्छा, छोटा सा। हाँ हाँ दिखाओ। सारा फर्टिलाइजर का मतलब कोई चीज का भी नहीं प्रयोग। ओह नो, सारा इसमें गोबर, जो गाय का गोबर होता है जिससे जो गिनौरा तैयार हो जाता है ना, उसी का यूज किया जाता है। अच्छा, और इसी कारण से ये आलू हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अब और दिखाते हैं क्या क्या है। हाँ, ये देखो ये साग का पत्ता, यहाँ है धनिया पत्ता, इतना सारा धनिया लगा है। और ये और एक चीज बहुत अच्छा चीज दिखाने वाली हूँ गाइस, गेस कर सकते हैं ये किस चीज का, मतलब वेजिटेबल्स कौन सा है। जो लोग ऑलरेडी खेतों में जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गाइस कॉलीफ्लावर। तो ये जो भी आप पेड़ देख रहे हो ना, ये कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी। इसमें देखो कितना मस्त आ रखा है, वाओ। तो एक दो ना खराब भी हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है गाइस मेथी, मेथी का पत्ता है, इसी में धनिया पत्ता भी लगा है और ये मेथी भी लगा है। और ये है अमरूद का छोटा सा पेड़। और यहाँ है लेमन, जिसमें ऑलरेडी फ्लावर आ चुके हैं छोटे छोटे, मतलब वाइट फ्लावर। आपको मैं दिखाती हूँ जूम करके, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये है इसका फ्लावर। तो अभी ये सीजन आ गया है लेमन का। और ये देखो गाइस, यहाँ पे ना एक नींबू गिरा हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ इसे उठाने के लिए, टूट के गिर गया है। और इसमें फला नहीं है नींबू उतना, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट एक गिरा हुआ दिख गया, तो अभी इसे हम उठाएंगे। देखो दिख रहा है, ये देखो ये नींबू मैंने अभी निकाला है और इसे मैं पानी में डाल के पीऊंगी। वाओ, घर के पेड़ का नींबू। मम्मी देखो नींबू, अपना अपना पेड़ का नींबू गिर गया था, तो हम मम्मी इसको निकाले हैं, बहुत मुश्किल से निकाले हैं। आई देखो इसमें पूरा रस है, देख रही हो, बड़ा वाला पेड़ है ना उसमें से। देखो ये वाला जो है ना, ये खराब हो चुका है। तो इसमें ना एक्चुअली कोई भी मार्केट का जो फर्टिलाइजर्स होता है ना, खाद वगैरह, वो कोई भी नहीं डाला गया है, इसलिए अदरवाइज ये ख़राब नहीं होता। और यहाँ देखो ये है टोमेटो का पेड़, टमाटर का पेड़, जो मेरा फेवरेट है टमाटर। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा टमाटर आ भी रखा है, वाओ। ये सारा टमाटर, उधर है नींबू, आम का पेड़, तो अभी आलू निकालने में छोटू बिजी है। और ये है पपीता, इसके ऊपर कुछ भी लीफ नहीं है, टूट गया है, एक वहाँ भी है और उधर भी है। ये देखो गाइस, ये है ऑर्गेनिक आलू, जिसमें बड़ा छोटा सारा मिक्स है। ये आलू है खन बड़ा छोटा, हाँ ये है बड़ा आलू। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है ड्रैगन फ्रूट, जो मेरे छत पे भी लगा हुआ है, इसको भी लगाया है ये ड्रैगन फ्रूट। इसमें ये 2 साल बाद रेडी होता है, मतलब 2 साल बाद इसमें फल आना स्टार्ट होता है, तो अभी कुछ टाइम पहले लगाया है, मतलब 1 साल तो हो ही गया होगा इसका। और ये है, ये क्या है, ये पालक है ना मोनी, ये है गाइस पालक। तो ऐसे पालक, टमाटर, गोभी, आलू का तो ये निकल रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो यही सारे लगे हुए हैं इधर। और यहाँ लगाया है रोज छोटा छोटा ऐसे सर्कल करके, इसको एक्चुअली लगाना है। ये पपीता कच्चा में ही गिर जा रहा है, यहाँ पे देखो ये पपीता हो रखा है,
और ये है इतने सारे खूबसूरत रोज जिसमें मैंने काउंट किया गाइस, इसमें ना टोटल 12 रोजेज हो रखे हैं और छोटे छोटे बर्ड भी बहुत सारा निकल चुका है। और डेली इसमें ना इस जो पेड़ लगा है इसमें ऑलमोस्ट 6-7 रोजेज तो डेली ही खिलते हैं। ये बहुत बच के रखा है इसलिए इतना खूबसूरत सा दिख भी रहा है। लगा दो मेरी बैगन और थी कद्दू करेला भिंडी। और अभी पापा भी आ गए यहाँ पे और देख रहे हैं, क्योंकि ये आलू ना पापा ही लगाए थे। जब लगा रहे थे सब मना कर रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम से इस मिट्टी में सब्जी लगा नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं लगा था, बट स्टिल पापा लगा दिया। और देखो आप रिजल्ट, इतना आलू निकल चुका है गाइस, इतना। और अभी और निकल ही रहा है, पहले भी छोटू निकाल चुका है, 5-6 केजी तो निकाला ही होगा। और ये आलू पता है कैसे रोपाता है, अभी हमको मोहनी बताया, ऐसे करके इतना डिस्टेंस पे, मतलब एक आलू यहाँ और एक आलू यहाँ, ऐसे फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये आलू रोपाता है ना। और प्याज भी अगर रोपाता है ना तो प्याज भी इसी तरीके से रख के ऐसे रोपाता है। तो अगर आपके घर में ऐसे अलग, मतलब इतना स्पेस है मिट्टी का, तो आप ऐसे करके आलू जो बिनाई होता है ना ऐसे ऐसे करके आप रोपते जाइए बस, है ना मोनी, ऐसा आलू फिर निकल जाएगा। हाँ, अब फिर मिट्टी से ढक जाए ना, दोनों देने से भर ही काट देगी। तो इसी बीच मैंने बोला भाई को कि चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, निकालती हूँ आलू, क्योंकि मुझे भी बहुत मन हो रहा था निकालने का। और मेरा भाई डर रहा था क्योंकि आलू कट ना जाए, बहुत आराम आराम से इसे निकालना पड़ता है। और बड़ा मजा आ रहा था आलू निकालने में, मेरे से एक्चुअली निकल नहीं रहा था अच्छे से, बट स्टिल मैंने कुछ कुछ आलू निकाले। मैंने बोला दो छोड़ दो, मैं निकालूंगी। ओ भाई भाई, बहुत अंदर है यार। एक भी आलू कटना नहीं चाहिए, आलू नहीं कटेगा, टेंशन। वाह क्या आलू निकला, एक नंबर। तो इतना आलू निकला है, मतलब ये बर्तन छोटा पड़ गया था इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, और ऑलरेडी पहले भी निकाला था 6-7 केजी, तो बस इतना से लेके इतना वाला एरिया में ही लगा था आलू, और इतना में इतना सारा आलू निकला है, एकदम रेड रेड आलू। और इसका बनेगा सब्जी, ऑलरेडी घर में हम लोग बना चुके हैं इसका भुजिया सब्जी, बहुत टेस्टी लग रहा है। उठा के हम आवे एक बार लेके, अब ये घर जा रहा है।